हेलो फ्रेंड्स, आज हम दो अच्छे से सवाल करने वाले हैं। ये दो देख रहे हैं आप, और इसके बाद हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी चैप्टर, मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। मैंने जो आपको इलस्ट्रेशन करा है उसमें पूरा जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और बहुत ईजी होते हैं। अब हम तो सब क्वेश्चन करा नहीं सकते, इसलिए आपको जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करने, ठीक है? चलिए अभी पहले ये क्वेश्चन पढ़ते, इसमें क्या बोल रहे हैं कि बलून स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए एंड आफ्टर टाइम टी नॉट सेकेंड अ पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट विच रीचेज द ग्राउंड आफ्टर टी सेकेंड्स ऑफ ड्रॉपिंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टी। देखो, इसमें ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, पर थोड़ा सा आप एक कॉन्सेप्ट अगर आपने मिस कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मान लो कि ये ग्राउंड है, उससे राइज हो रहा है, ठीक है? आफ्टर टाइम टी नॉट सेकेंड, मतलब टी नॉट सेकेंड तक मान लो ये राइज हो रहा है। ये एक मिनट, बलून को कैसे बनाऊँ मैं, एक मिनट, बलून है और ये पैकेट है, ठीक है? ये ऐसा है, ठीक है? थोड़ा सा हम नीचे बना देते हैं, इसको जगह नहीं है। ये बलून है और ये टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर यहाँ था, अब यू 0 है इसका और एक्सेलरेशन है ए नॉट अपवर्ड ऊपर की तरफ, ठीक? अच्छा, तो अभी टाइम इक्वल टू टी नॉट सेकेंड, टी नॉट सेकेंड पर मान लो कोई यहाँ आ गया, ठीक है? ये है टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू टी नॉट, एक मिनट, टी इक्वल टू टी नॉट पर यहाँ का ये है ज़मीन है, ठीक है ना? कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये है ग्राउंड लेवल है, ठीक है? अभी मैं करना चाहूँ कि ये टी नॉट टाइम तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो कैसे लिखूँगा मैं? एस इज इक्वल टू यू टी। देखो एस कहाँ है, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एस एस ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है और यू भी ऊपर ही है, और यू इनिशियल 0 है, ठीक है? अच्छा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एस इज इक्वल टू 0 + ½ a0 t0 squared, ठीक है? ये आ जाएगा, मतलब ये मेरी हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, एक मिनट, एस क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 1/2 a0 t0 squared, ठीक है? ये मेरी हाइट हो गई। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखो, अभी इसकी स्पीड भी कितनी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से बलून की स्पीड कितनी होगी, 0 + a0 t0 होगी, ठीक है? ये ध्यान रखेगा, तो ये इसकी स्पीड कितनी होगी, a0 t0 इज इक्वल टू यू, इसकी स्पीड है, ठीक है? अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि बलून में मैं हूँ, बलून में बैठा हूँ और मैंने पैकेट ड्रॉप किया है, ठीक है? तो आपको क्या लगेगा, अगर मैं बलून में बैठा हूँ, अगर मैंने पैकेट ड्रॉप किया है तो ऐसे सीधा नीचे गिर जाएगा? दोस्तों आंसर है नहीं। क्या करेगा, मैंने सिर्फ ड्रॉप किया है, मैं बलून के अंदर बैठा और मैंने ड्रॉप किया, तो मेरे को तो लगेगा वो नीचे जा रहा है, पर ग्राउंड के फ्रेम में क्या होगा कि वो ये बलून की वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ठीक है, ए नॉट टी नॉट से, और बाद में नीचे आएगा, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है? क्योंकि इसके पास बलून की भी वेलोसिटी है, मैं इधर बैठा हूँ बलून में, एक मिनट, और मैंने ऐसे ड्रॉप किया, ठीक है, और मैंने ऐसे पैकेट ड्रॉप किया है और ये मैं बैठा हूँ बलून में, तो बलून की वेलोसिटी तो है ना, कुछ वी वेलोसिटी है, तो मैं ड्रॉप करूँगा तो इसके पास बलून की वेलोसिटी तो रहेगी ना, समझ रहे आप लोग? तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, मैं अंदर बैठ के ड्रॉप कर रहा हूँ इसलिए पहले ऊपर जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन कैसा हो गया दोस्तों, अब इसका टाइम निकालना, तो अभी ये क्वेश्चन कैसा हो गया, बहुत सिंपल हो गया कि ये है हाइट, ये हाइट है कितनी, 1/2 a0 t0 squared हाइट है, और मैंने a0 t0 से बॉल प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये ग्राउंड तक आने का टाइम कितना होगा। तो ये अभी बहुत ईजी है, ये रेफरेंस लाइन मान लो, एक मिनट, ये रेफरेंस लाइन मान लो, ये डिस्प्लेसमेंट है s, ये है वेलोसिटी है ऊपर और ग्रेविटी है नीचे, तो माइनस s इज इक्वल टू वी टी माइनस 1/2 g t squared, ये इक्वेशन लगा देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस s क्या है, 1/2 a0 t0 squared इज इक्वल टू वी टी का क्या, वी कौन सा है, a0 t0, और बाद में t तो है ही, v की वैल्यू a0 t0 है ना, इधर मैंने लिखा है, ठीक है, चलो, और माइनस 1/2 g t squared। अब देख रहे हैं कि t का क्वाड्रेटिक बन रहा है, t के फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो अभी अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ ये सॉल्व करने के लिए, पर मैं अभी आंसर लिख के जाऊँगा ताकि आप वेरीफाई कर सके इसका आंसर क्या आएगा, a t0 / g (√g/a). ये दोस्तों इसका आंसर आएगा, बहुत हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर आपने नहीं आता तो प्लीज़ पहले जाके हमारे चैनल पे है बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
वो देख लीजिए। अगर आपके सॉल्व करना नहीं आता तो आप पहले वो देख सकते हैं, बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जे मल्टीवर्स टाइप कीजिए, वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी ये तो इसका आंसर तो आगे ये था इजी सवाल। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम अ टैप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो द रेगुलर इंटर, 5 मीटर बिलो, ठीक है, अच्छा 5 मीटर बिलो, एक टैप है 5 मीटर, उससे वाटर ड्रॉप निकल रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइकिंग द फ्लोर व्हेन द फिफ्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल, समझ रहे हैं, मैं आपको बाद में समझाऊंगा डायग्राम, द हाइट एट विच द थर्ड ड्रॉप विल बी फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन पावर थोड़ी चाहिए आपको, क्या हो रहा है, चलो मैं डायग्राम दिखा के अच्छे समझा देता हूँ आपको। ये है हमारा कैसा, एक मिनट, ये है एक मिनट, ये है इधर, ये इधर हमने एक टैब खोल के रखा है, ठीक है, ये है हमारा, मान लीजिए ये टैब पे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर समझ सकते आप, ठीक है, और ये है मेरा ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये है मेरा कौन सा ग्राउंड लेवल, जी जी है लिख देता हूँ, ग्राउंड लेवल है। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ड्रॉप जब फ्लोर स्ट्राइक कर रहा है तब फिफ्थ ड्रॉप जस्ट निकलने वाला होता है, इसका मतलब क्या होगा कि ये फिफ्थ ड्रॉप है तो इसके ऊपर कितने होंगे, एक दो तीन चार और पाँच, ठीक है, ये फिफ्थ ड्रॉप जब निकलने वाला होता है, ये फिफ्थ ड्रॉप जब निकलने वाला होता है तब ये फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक करता है इसमें, समझ में आ गया सबको, और ये हाइट है वो कितनी है 5 मीटर। और एक बात क्या बोला है कि टाइम इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम है, ठीक है, हर एक इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे गिर रहा है, तो क्या होगा ये कि अगर इसका टाइम होगा टी, ये अगर इस टी टाइम पे बाद निकला है तो इसके बीच का भी टाइम कितना होगा टी होगा, इसके बीच का भी टाइम कितना होगा टी होगा, इसके बीच का भी टाइम कितना होगा टी होगा, समझ रहे आप लोग, सब इक्वल इंटरवल्स पे आ रहे हैं तो हर एक ड्रॉप के बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा टी, ये आप समझ रहे हैं, ठीक है, मैं एक साथ दिखा देता हूँ आपको समझ में आ जाए, टी टी, ये समझ रहे आप, हर एक ड्रॉप के बीच में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इसलिए मैंने टी टी मान लिया, ठीक है। अभी फिफ्थ ड्रॉप इधर जब ड्रॉप टपकने वाला होता है तब ऑब्वियसली कॉमन सेंस कहता है कि यू है जीरो, ठीक है, तो अभी मैं फिफ्थ ड्रॉप के लिए इक्वेशन लिखूँ, ये जो फिफ्थ वाला ड्रॉप है उसके लिए मैं इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ये है डिस्प्लेसमेंट मेरी 5 है इधर से इधर तक, डिस्प्लेसमेंट एस है, ठीक है, ग्रेविटी भी नीचे है, ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये साइन कैसे लेनी है, और यू है ज़ीरो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस हाफ, ग्रेविटी कितनी है जी, इंटू टाइम इंटरवल कितना है 4t स्क्वायर, समझ में आया सबको, टाइम इंटरवल कितना है 4t स्क्वायर, ठीक है। अभी अगर g10 लेना है, ठीक है, समझ गया, g10 क्यों दिया गया क्वेश्चन में, क्योंकि ये 5 5 कट हो जाए, इसलिए ये क्या हो जाएगा 5, ये 5 से जाएगा ना, ये g10 है, तो 5 into 4t स्क्वायर, तो 5 5 कैंसिल, तो टी क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 सेकेंड, मतलब 1/4 सेकेंड पे ड्रॉप टपक रहे, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अच्छा अभी हमें पूछ रहा है कि थर्ड ड्रॉप की हाइट कितनी होगी, थर्ड ड्रॉप, तो ये थर्ड ड्रॉप कौन सा, ये वाला ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप ये वाला है हमारा थर्ड ड्रॉप, ठीक है, ये है थर्ड ड्रॉप, तो थर्ड ड्रॉप की हाइट पहले मैं इधर से मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर से इक्वेशन से मोशन लगा के ये S1 निकाल रहा हूँ पहले, तो S1 क्या हो जाएगा, 0 ut + 0t + ½ g (2t² हो जाएगा, समझ में आ गया सबको, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, s इज इक्वल टू क्या है 0t + ½ g (5) 2t², ठीक, तो S1 इज इक्वल टू 5, टी कितना है 1/4 की अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये कितना आ जाएगा 5/4, यानी कि 1.25 मीटर। अभी आंसर नहीं है दोस्तों, आंसर मत मार्क कर देना 1.25 मीटर, ठीक है, अभी ये हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ क्या रहा है कि थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द ग्राउंड पूछ रहा है ना, विल बी फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से कितनी हाइट होगी, देखो अभी ये हाइट कितनी हो गई है, ये हाइट हो गई है 1.25 मीटर थर्ड ड्रॉप की, तो ये कितनी होगी, ऑब्वियसली कितनी होगी, 5 में से माइनस कर दो कितना आएगा 3.75 मीटर्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.75 मीटर्स, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी, हमको समझना था, आगे तो मैथ्स ही है, सिर्फ हमको सिर्फ क्वेश्चन समझ के ये सब लिखना था, आगे तो क्या है मैथ्स ही है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 3.75 मीटर्स,
एक मिनट, ये 3.75, ये वाला है ना, 3.75 मीटर्स हमारा आंसर आ गया है। तो दोस्तों हमारे मोशन ऑफ ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी होता है ख़त्म। आप जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और मैंने सारे ऑलमोस्ट सारे टाइप के सवाल तो करा ही दिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए JEE मल्टीवर्स।